हम एक टॉपिक समझ रहे हैं, वो है हमारा ट्रायक का जो है, ठीक है। तो ट्रायक जैसे डायक था, डायक एक ट्रिगर डिवाइस थी, और यहाँ पे जो ट्रायक है वो एक कंट्रोलर्स डिवाइस है। यहाँ पे अगर हम ट्रायक की तुलना करेंगे तो SCR से करेंगे, तो जो ट्रायक है अपना वो SCR के समान ही कंट्रोलर डिवाइस है। सबसे पहले हम दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी दोनों में क्या डिफरेंस है। SCR क्या है कि DC के लिए अधिक उपयुक्त होता है, और जो ट्रायक होता है वो AC के लिए अधिक उपयुक्त होता है। यानी हम अगर इनके उपयोगी की बात करें तो ट्रायक को हम ज़्यादातर AC सप्लाई से डायरेक्टली AC सप्लाई वाले उपकरणों को कंट्रोल करने के लिए करेंगे, और DC सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जैसे DC मोटर है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम SCR का प्रयोग करेंगे। SCR का प्रयोग हम AC कंट्रोलर के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये विपरीत कंडीशन में ब्रेकिंग होने का डर रहता है, इसलिए SCR की जगह हम ट्रायक का प्रयोग करते हैं। ट्रायक का मतलब यहाँ पे 3 टर्मिनल, और AC से मतलब होता है AC सप्लाई पे काम करने वाला सिलिकॉन उपकरण। इसमें ये बात ध्यान रखना, ये जो हमारे सिलिकॉन डिवाइस ही रहेंगे, क्योंकि हम उनको सिलिकॉन अर्धचालक सेमीकंडक्टर से बना रहे हैं, इसलिए हमारे जो सिलिकॉन डिवाइस रहेंगे। अब SCR की बनावट क्या होती है, स्ट्रक्चर्स क्या होता है, तो जो ट्रायक है हमारा वो 2 SCR को यदि हम आपस में जोड़ दें, जैसे 1 SCR इस तरीके का रहेगा हमारा और दूसरा SCR इस तरीके का रहता है, यानी हम इनको दोनों को समांतर कंडीशन में यदि इनको जोड़ दें विपरीत दिशा में आपस में इस तरीके से इनको कनेक्ट कर दें, ये हमारा कनेक्टिंग हो जाएगा, और ये जो टर्मिनल है गेट, ये देखो कॉमन जोड़ दी, तो ये बन जाता है ट्रायक। यानी 2 SCR को समांतर में विपरीत दिशा में जोड़ने पर एक ट्रायक का निर्माण हो जाता है। अब इसका हम चित्र इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इनके टर्नों की बात करें तो MT1 और MT2, क्योंकि यहाँ पे देखो एनोड कैथोड खत्म हो जाता है जब 2 डिवाइस विपरीत जुड़ जाती हैं, और ये जो तीसरा टर्मिनल होता है ये गेट होता है, ये देखो गेट, दोनों के गेटों को हम कॉमन कर लेते हैं जो है, और ये 2 टर्मिनलों को कॉमन कर लिया, तो इस तरीके से ये हमारी डिवाइस बन जाती है ट्रैक डिवाइस। स्ट्रक्चर्स देखें इसका जो है, तो इसके 5 परत और 3 जंक्शन डिवाइस कहलाएगी, ये ध्यान रखना, 5 परत और 3 जंक्शन डिवाइस। जैसे यहाँ पे P1 है, L1 है, ये P2 होता है, यहाँ पे जो डॉपिंग करेंगे N, यहाँ पे भी एक N डॉपिंग कर देंगे, और मान लीजिए यहाँ पे भी ये N डॉपिंग कर देंगे, तो इस तरीके से हम इसके टर्मिनल निकाल लेते हैं। तो ये इसका फिजिकली स्ट्रक्चर्स है जिसके थ्रू हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे गेट टर्मिनल कर लेते हैं इनको, और MT1, और ये वाला हो जाता है MT2 जो है। तो इस तरीके से जो ट्रायक रहता है हमारा, इसकी बेसिक संरचना हो गई है, टर्मिनल हो गए हैं, और किस तरीके से काम करता है। इसमें यदि हम देखें तो ये हमें इस तरीके का दिखाई देगा जो है, ये 3 टर्मिनल रहेंगे इसके जो है, और इसके पीछे जो रहता है वो सिंक रहता है, क्योंकि सिंक क्या करता है कि इसको ठंडा करने के लिए, गर्म रहता है तो ठंडा करने के लिए इसके लिए प्रयोग किया जाएगा। ये ट्रायक का हमारा जो भौतिक रहता है, यानी जिसे हम सर्किट में उपयोग करते हैं देख के, उस तरीके का ये सिंबल है। अब यदि इसका समझते हैं वर्किंग कैसे करता है, तो इसके लिए हमें एक वर्किंग सर्किट इसका डिजाइन करना पड़ेगा, उससे हम समझेंगे कि ये कैसे वर्किंग है। जैसे मेरे पास ये इसका जो है एक ट्रायक है, अब इसको हम सप्लाई से जोड़ रहे हैं। अब हमें करना क्या है कि जब हम एक ट्रायक का प्रयोग कर रहे हैं, देखो तो ट्रायक के लिए यहाँ पे हम डायरेक्टली सप्लाई देंगे यहाँ पे,
एसी सप्लाई मान लीजिए यहाँ पे 240 वोल्ट यहाँ पे इनपुट किया। अब यहाँ पे मान लीजिए ये गेट है, ये गेट को हम यहाँ पे डायरेक्ट से भी ट्रिगर करा सकते हैं। अभी हम एक आर रेजिस्टेंस के थ्रू इसको जो है ट्रिगर करा रहे हैं। यहाँ पे चाहे तो हम डायरेक्ट लगाएंगे, डायरेक्ट से गेट को ट्रिगर कराएंगे। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि करंट हमारा दोनों साइड से फ्लो करेगा, एक बार रिवर्स एक बार फिर से फॉरवर्ड साइड से। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो एक VT 126 ट्रायक है वो ऑन नहीं होगा। इसमें हमें लोड जोड़ना है, हम इसको कहीं भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक लोड जोड़ दिया है तो ये लोड ऑन नहीं होगा जो है ऐसी कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्रायक है वो इसको ऑन नहीं करेगा। अब इसकी जो एक VT 136 जो ट्रायक है वो हाईएस्ट करंट यानी RMS जो करंट है वो 4 एम्पियर रहेगा, और इसका गेट करंट यानी गेट को जब हम ट्रिगर कराएंगे तो वो 1.5 है, और इसका पीक वोल्टेज यानी ये हाई से हाई जो वोल्टेज रहता है वो 400 वोल्ट तक को सेट कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि हमारा यहाँ पे ट्रैक का कोड नंबर बदलता है तो ये करंट वोल्टेज भी इसका मान बदल सकता है, यानी जैसे हमें ज़्यादा करंट के लिए उपयोग करना है तो अलग तरीके का ट्रैक प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि गेट को ट्रिगर कराना पड़ेगा, तो जब हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा और यहाँ पे 1.5 वोल्टेज आने लगेगा तो एक गेट एक बार इसको जो है ट्रैक को ऑन कर देगा। तो जैसे ही ऑन कर देगा तो ये लोड हमारा चालू हो जाएगा और हमारा करंट जो रहेगा ऐसे में दोनों साइड से फ्लो होगा, इधर से भी और इधर से भी, यानी 1/1 फ्लो होगा, एक बार इधर से और एक बार उधर से लोड चलता रहेगा। इसमें ये रहता है कि यदि हम गेट को यहाँ पे अभी कंट्रोल करेंगे तो ये कंट्रोल नहीं होता, लेकिन SCR में क्या था, यदि हम गेट को कंट्रोल कर लेते थे तो SCR हमारा कंट्रोल हो जाता। ये जो ट्रैक है ये कंट्रोल नहीं होगा जो है, यानी यहाँ पे हमें मेन मुख्य डायोड से कंट्रोल करना, रेजिस्टेंस से कंट्रोल करना पड़ेगा जो है, कि हम गेट को कंट्रोल करके इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस तरीके का ही बन गया यहाँ पे, ये हमें 45 डिग्री तक का ट्रिगर करा के दे सकते हैं, यानी जो हमारी तरंग है इसको हम एकदम से 45 डिग्री तक को रोक सकते हैं। जैसे 120 रोक दिया, 90 पे ही ट्रक करा दिया, यानी हम जो तरंग हमारी एकदम से ऐसी ऐसी चलती है और हम इसको बंद करना चाहें तो ये बिल्कुल ऐसे हो सकता है, यानी ये तरंग ऐसे होगी। जैसे हमें और विधियों से हम ट्रिगर कराते हैं या कंट्रोल करते हैं तो इस तरीके, लेकिन इसमें क्या होगा कि हम 45 डिग्री तक भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसकी बात करें इसके वक्र की, तो इसका वक्र SCR के समान ही रहेगा, अंतर केवल रहेगा कि ये दोनों दिशाओं में काम करेगा। जैसे इस तरीके का ये वक्र रहेगा और फॉरवर्ड साइड भी ये इसी तरीके का रहेगा। तो जिस तरीके से हमने SCR का वक्र देखा है उसी तरीके का हमारा ट्रैक का रहेगा। अंतर ये रहेगा कि ये फॉरवर्ड में भी उसी तरीके का वर्क करेगा और रिवर्स में भी उसी तरीके का वर्क करेगा। मुख्य रूप से ये कहा जा सकता है कि जो ट्रायक होता है वो एसी डिवाइसों के लिए प्रयोग है। जैसे फॉर एग्जांपल हीटिंग उपकरण को कंट्रोल करना है आपको या एसी मोटर को कंट्रोल करना है तो हम ट्रायक का उपयोग करेंगे। डीसी को कंट्रोल करना है यानी डीसी उपकरण को कंट्रोल करना है तो SCR को कंट्रोल करेंगे।